नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 के बाद कुछ बैंक अकाउंट्स को उन्होंने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका पीएफ निकालने या एडवांस लेने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहाँ पर आपको मिलते हैं पीएम ईएसआई, लेबर लॉज, फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस, जो आपके और आपके दोस्तों मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, मैंने पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर इन्हें देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी पीएफ से लेकर मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएफ के ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। बहुत ही गुपचुप तरीके से पीएफ डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उनकी वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि एचआर जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, कौन से बैंक ऐसे हैं जिसको पीएफ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन के अंतर्गत अपनी लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट भी बता देता हूँ। अभी जो पेंशन, मिनिमम पेंशन को लेकर जो अपडेट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसका अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सितंबर में उसका अनदर हियरिंग होने वाली है, लेकिन फाइनल अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। हो सकता है 99% चांसेस है कि मिनिमम पेंशन जो है पीएफ की वो बढ़ जाएगी, लेकिन फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। वो क्या फैसला लेता है, वही सारे पेंशनर, ईपीएस पेंशनर जो है उन पर लागू होगा। तो दोस्तों, हम आशा ही कर सकते हैं कि जो मिनिमम पेंशन है वो बढ़ जाए और जो जितने भी पेंशनर्स हैं, पीएफ पेंशनर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको इसका लाभ मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों, यारों और मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी है जो आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। आप ये जो प्रोसेस है आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। गूगल पे हम सिंपली टाइप करते हैं ईपीएफओ हम टाइप करते हैं, ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने ईपीएफओ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो विंडो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर हम जाएंगे। ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हम नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिफाइड पोर्टल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये यूएन की मेंबर पोर्टल की विंडो है, जहाँ से एक एम्प्लॉई लॉगिन और अपने यूएन को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास जो रेड कलर में नोटिफिकेशन आते रहते हैं पीएफ डिपार्टमेंट, जो भी नया नोटिफिकेशन एम्प्लॉई से रिलेटेड होता है वो इस रेड कलर में शो होता रहता है। यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे बैंक अकाउंट से लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो पीएफ डिपार्टमेंट ने जारी किया है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ईपीएस सदस्य ध्यान दें, ये सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2021 से आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक,
सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक का आईएफएससी कोड अमान्य हो गया है। सदस्य नियोक्ता के माध्यम से सही आईएफएससी कोड जोड़े तब तक कोई ऑनलाइन दावा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। कृपया अपने बैंक से सही आईएफएससी कोड प्राप्त करें और आईएफएससी का विवरण अपलोड और अद्यतन करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों की दावा राशि बैंकों द्वारा वापस नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर इन बैंकों को पीएफ डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं भारत सरकार अभी बैंकों का मर्जर कर रही है। बहुत सारे जो बैंक हैं उनका मर्जर हो रहा है, किसी एक बैंक के अंदर जितने ज़्यादा बैंक हैं वो मर्ज होके एक बैंक में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बैंक है आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक, इनका भी मर्जर हो चुका है। तो जो आपने अगर इन बैंकों को आपके पीएफ डिपार्टमेंट में अपडेट किया हुआ है तो दोस्तों उनका आईएफएससी कोड अब बदल चुका होगा, क्योंकि अब जो आईएफएससी कोड है जो नई मर्ज बैंक हुई है वही आईएफएससी कोड अब लागू होगा। तो आप अपने बैंक से पता कर लीजिए कि आपका अब नया आईएफएससी कोड क्या है। आपको बैंक आसानी से बता देगा कि अब आपका आईएफएससी कोड ये है। तो आप अपनी कंपनी में जाकर, बैंक अकाउंट तो सेम रहेगा लेकिन आप अपना आईएफएससी कोड जरूर चेंज करवा लें। अपने एम्प्लॉयर, अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट जाकर अपना आईएफएससी कोड चेंज करवा ले, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और अगर चेंज नहीं किया, अगर इमरजेंसी में कभी आपको एडवांस की ज़रूरत पड़ी तो आप उस समय इसकी हेल्प नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस समय आपका आईएफएससी कोड अपडेट नहीं होगा और आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। अगर आपका इन 5-6 बैंकों में अकाउंट है तो जल्दी से अपने बैंक के पास में जाकर नया आईएफएससी कोड जो भी है वो प्राप्त कर लीजिए और अपने कंपनी के पास में जाकर अपना आईएफएससी कोड अपडेट करवा लीजिए, वरना आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यह एक नोटिफिकेशन था, पीएफ डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो आप जल्दी से इस पर कार्रवाई करिए। तो फिर हम मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।